करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। मॉर्निंग, आज का जो क्विक सिंगल है जो कल आपने उसका जिक्र किया था वो है आईसीआईसीआई प्रू, ट्रेड कर रहा है 552 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 550, सिर्फ 2 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट है 560 टू 565, आईसीआईसीआई प्रू में एक तेजी देख सकते हैं। ओके सचिन आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी आपका सीमेंट स्टॉक्स में अभी भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है लीडर के साथ रहना है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने निकाला है, एंड प्लस जो शुरुआत हुई है वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ओपन लो फॉर्मेशन से है, डेसिमल्स में ये ओपन लो है, तो आई थिंक 9830 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे 10010 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ये पार हो जाता है तो 10220 तक एक ये रैली माउंट होगी, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। ओके FNO में मतलब अल्ट्राटेक शामिल, बाय फ्यूचर्स और आईसीआईसीआई प्रू हो गया। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए मेरी नज़र भी सीमेंट पे ही है और उसमें से अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन अंबुजा सीमेंट, 500 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है और यहीं पे मुझे लगता है एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट स्क्वीज इसका टारगेट बनता है 520 से लेके 525, तो बाय करें अंबुजा सीमेंट, स्टॉप लॉस रहेगा इसका 497 का। ओके अंबुजा सीमेंट्स, आज सीमेंट पे हमारा पैनल जो है वो मेहरबान है। 5670 पे राजेश सतपुते जी का ट्रेड हो गया। मानस गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, तो इंडिगो पे खरीदारी करनी है, 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इंडिगो में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 2959 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3075 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स पर बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 94 पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर आपको 64 का स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए के टारगेट सेट। ओके चलिए ये इस समय मानस के पिक का। आशीष बहती जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा इस समय? अनुज जी क्विक सिंगल के तौर पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड देना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है, 2 दिन से जरूर गिरावट देखने मिली है लेकिन स्टॉक अपने एक अहम सपोर्ट जोन पे आ चुका है 20 डेमा पे, मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पॉट है और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है इन लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के लिए, तो थोड़ा सा अगर और भी डिप मिल जाता तो और अच्छा, 2400 के जितने पास में अगर हम खरीद सक पाएंगे उतना बेटर हो जाएगा। इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2385 का एक एसएल मेंटेन करे और हमें लग रहा है इसमें एक वापस पुलबैक देखने मिल सकता है जिसे 2445 तक के लेवल्स दिखा सकता है। काउंटर ट्रेड है, 2 दिन से गिरावट जरूर है लेकिन अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के है इसलिए सजेस्ट किया गया। ओके तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल को ओन करती है, तो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ले लें यहाँ पर। आशीष चतुर्वेदी जी आपके रडार पर कोई और स्टॉक आया क्या जो हमने डिस्कस किया उनके अलावा? नहीं बिल्कुल, तो इसमें मेरे हिसाब से एनटीपीसी बहुत ही क्लियर स्ट्रेंथ दिखा रहा है अनुज, और मेरे हिसाब से पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया है, डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी चर्चा भी की, बट मेरे हिसाब से एक फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है, 282 पे ही बहुत अच्छा बेस बना है और ये बेस होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से 320-325 की ट्रेजेक्ट्री एनटीपीसी में बनती हुई नजर आ रही है। एनटीपीसी में बनती नज़र आ रही है तेज़ी, और एक बार जरा आप लेकर आइए वापस ये पीएफसी और आरईसी, और क्या कहें इन दोनों स्टॉक्स के बारे में, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन उसके बाद इस तरीके के मूव्स आते हैं इनमें। मानस इनमें से कोई ट्रेड लिया जाए क्या? तो बिल्कुल, देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था पीएफसी को भी, पीएफसी में खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं क्योंकि हाई टॉप चार बॉटम्स लगातार अनुज जी देखने को मिल रहे हैं और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे पीएफसी में, 390 का स्टॉप लॉस लगाइए और 405 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 400 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 12.07 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं और 17.5 रुपए के टारगेट पीएफसी के 400 के कॉल ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके अच्छा एक और स्टॉक जो हमने कल क्लोजिंग में भी डिस्कस किया था ट्रेंट लेकर आइए एक बार, ट्रेंट पर कल एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी और काफी पॉजिटिव थे उसमें वो और 3150 तक के टारगेट थे, अभी भी एक स्टॉक ग्रीन में। जी लेकर आइए, जी काफ़ी वॉलेटाइल है, बैन में आ गया है वापस, कल ऊपर खुला फिर थोड़ा लोअर लेवल पर आया, थोड़ा करेक्शन आई लेकिन अब फिर एक मूव आ रहा है, लेकिन आज वापस पावर शेयरों में अच्छा मूव आ रहा है, ये आप देखिए सारे के सारे एनटीपीसी और पीएफसी आरईसी। वीरू आज इस स्पेस में ही ट्रेड्स ढूंढे जाएँ तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है आज वीरू।
बिल्कुल पीएफसी आरएसी आज स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, और एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, पेयर रखिएगा और क्रॉस चार्ट रखिएगा, 397 शानदार मूव, तो यहाँ पे इस पर नज़र रखिएगा। अच्छा मोमेंटम जैसे जैसे पीएफसी में है, आरएसी में है, इंडिगो में है, मोमेंटम है, डिक्सन को देखिएगा आप एक बार सचिन जी। अब हमारा वो जो प्रीवियस स्विंग हाई था 7 अक्टूबर 2021 का 6203 का, वो ऑलरेडी पार हो चुका है, हम ओवरटेक कर चुके हैं उसको। आज 6501 पर कल की बॉडी को हम क्रॉस कर चुके हैं, कल के हायर शैडो में ट्रेड करते हुए। अभी आपका व्यू यहाँ पे किसी एग्रेसिव ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से? वीरेंद्र जी यहाँ पर 6400 का सपोर्ट काफी अहम होगा आई थिंक थ्रू आउट द डे, अगर ये मेंटेन हो जाता है तो वापस एक अच्छी रिकवरी बन सकती है काउंटर में। कल के सत्र में काफी दबाव आया था, प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर भी नजर आया था 6800 के स्विंग्स बनाने के बाद, तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लगा बड़े अग्रेसिव मोमेंटम की तैयारी नहीं होगी, बट कहीं जाकर इम्पोर्टेंट होगा कि 6400 का लेवल डिफेंड हो जाए। तो अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आई थिंक 6395 के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है, बट ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम तभी होगा जब 6740 का लेवल अगर टूट जाता है। तो आई थिंक इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है 6655 तक का, बट ज्यादा अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की यहाँ पर सवाल नहीं होगी। ओके योर पॉइंट टेकन डिक्सन, आपके स्क्रीन पे 6 पोस्ट